अनुराधा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मॉर्निंग सर। वेरी गुड, सॉरी गुड आफ्टरनून सर। सभी को नमस्ते। आज हम लोग काफी दिनों बाद सब इकट्ठे हुए हैं वापस, और सब इंतजार में थे कि काफी दिन हो गए हम सर से सेशन लिए हुए। तो ज्यादातर जो लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें ज्यादातर लोग क्लिंजिंग थेरेपी से पहले से ही जुड़े हुए हैं। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। ओके। लेकिन हाँ, हम में से ज्यादातर लोग क्लिंजिंग थेरेपी से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोगों ने लीवर किडनी एसिड वगैरह सारे क्लींस किए हुए हैं, और क्लिंजिंग थेरेपी बहुत हद तक बहुत अच्छी तरह क्लियर है हमारे पास। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि क्लिंजिंग थेरेपी या और दूसरी थेरेपीज यूज करते करते भी हमारे पेशेंट्स ठीक नहीं होते हैं, या उनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बीमारी नहीं बोल सकते, जिसको फोबिया बोलते हैं या रिलेशनशिप इश्यूज बोलते हैं। तो सर के पास उनका भी इलाज है और बहुत ही आसान सा तरीका है, तो उसका नाम है PLR, फास्ट लाइफ रिग्रेशन। आज से एक साल डेढ़ साल पहले लोनावाला में एक सर ने सेशन लिया था, उसमें हम लोग गए थे और सर से हमने PLR सीखा था, और एक साल से हम लोगों के ऊपर ट्राई कर रहे हैं और बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है उससे। तो जिन लोगों के ऊपर मैंने सेशन किया वो सारे के सारे सर से मिलना चाहते थे, और बाकी भी लोग चाहते थे कि सर से इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो हमने ये सेशन आज रखा है PLR के ऊपर। तो और जो हमारी वेबसाइट है टेम्पल ऑफ हीलिंग, उसमें PLR के ऊपर मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, उसमें PLR के ऊपर काफी कुछ दिया हुआ है, और आगे की बातचीत हम लोग सर से ही करते हैं। सर आप स्टार्ट करें। जी जरूर। थैंक यू एवरीवन, एंड सबसे ज्यादा धन्यवाद तो अनुराधा जी को जिन्होंने हमको आप तक जोड़ा। एक छोटा सा करेक्शन, मेरी ये सारी इंफॉर्मेशन टेम्पल ऑफ हीलिंग पे नहीं है, मेरी चार वेबसाइट हैं। ये एक और वेबसाइट है drpiyushsaxena.com, वहां पे PLR रिलेटेड सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है। हम और आप लंबे समय से परिचित रहे हैं, खासतौर से कलकत्ता वासियों से तो 3-4 साल से हमारा रेगुलर संपर्क रहा है। फिर भी बता दूं, ये मेरी पहली किताब है एवरीथिंग मैन नो वुमेन, ये मैंने 2005 में लिखी थी। इसके बाद मैंने ये क्योर योर सेल्फ 2008 में लिखी थी। इसके बाद मैंने ये ट्रांसजेंडर्स के ऊपर किताब लिखी थी 2011 में, इसके ऊपर फिल्म भी बनाई है मैंने। क्लीनिंग थेरेपी में और कई क्लींस जोड़ के 12 क्लींस बना के ये मैंने क्लीनिंग थेरेपी इंग्लिश में 2016 में लिखी। इससे जुड़े हुए हिंदी पैम्फलेट अक्सर आप लोगों तक पहुंचे होंगे, ये हमारे 6 भाषाओं में है, सब कुछ वेबसाइट पे निशुल्क उपलब्ध है, और ये क्लीनिंग थेरेपी क्योर योरसेल्फ का हिंदी अनुवाद है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं मुद्दे पे। ये वाकई बहुत मनोरंजक है कि जिनका इलाज कहीं नहीं मिलता वो भी अपने हाथ में ही होता है, और जैसा अनुराधा जी ने बताया इसमें 3 तरह के प्रॉब्लम्स का बहुत जबरदस्त इलाज होता है। पहला, 100 तरह के फियर होते हैं, किसी को चढ़ाई का फियर है, किसी को पहाड़ का फियर है, किसी को जहाज पे चलने का फियर है, किसी को पानी का है, किसी को अंधेरे का है, किसी को बेसमेंट पे जाने का है, किसी को लिफ्ट पे चढ़ने का है, किसी को किसी जानवर का है। कुल 100 टाइप्स हैं, ये सब मैंने वेबसाइट पे लिस्ट करके रखे हुए हैं। एक, किसी बीमारी का कहीं भी इलाज ना मिल रहा हो, मैंने पाया है अक्सर वो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ होता है। और तीसरा है रिलेशनशिप का इशू, आप भी जानते हैं कभी या अक्सर हमको किसी जाने अनजाने व्यक्ति से मिलके बड़ा अच्छा लगता है, और कभी किसी व्यक्ति के साथ मिलके लगता है कि इससे तो ना मिलते तो ज्यादा अच्छा था।
इन सब का ओरिजिन कहीं और होता है और वो पिछले जन्म में होता है। अब सवाल ये होता है ये पिछले जन्म की फालतू चीजें होती क्या है। मैं भी इनको उतना ही बेकार समझता था 2009 तक, लेकिन तब अचानक कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि मुझे लगा ये तो जबरदस्त डिवाइन प्लान है। और जब इसके बारे में जानना शुरू किया सच में मजा आ गया। और आज की तारीख में मेरा यह मानना है कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां फिलॉसफी शुरू होती है, जहां फिलॉसफी खत्म होती है वहां हिस्ट्री शुरू होती है, जहां सब कुछ खत्म होता है वहां ये जन्म मरण का चक्र शुरू होता है। और मैं भी जानता हूं कि आज के इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मेरे पास अक्सर कोई सबूत नहीं होगा कुछ कहने के लिए, तो सबसे पहले हम सबूत पे चर्चा करते हैं कि हमारे पास एविडेंस क्या है। आप सबके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, व्हाट्सएप है, तमाम साधन है ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के। एक छोटी सी जानकारी दे दूं, ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट होने के बाद ना हमको काफी कुछ पता चल जाता है, लेकिन 5 बेसिक सेंसेस हैं। देखना है या सुनना है, टेस्ट है, स्मेल है और टच है। आज भी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो टेस्ट, स्मेल और टच की फीलिंग्स को ट्रांसमिट कर पाए। हम नहीं बता सकते, हम छू के बता सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है, लेकिन सामने वाले को ये नहीं बता सकते कि गर्म महसूस कैसा होता है, जबकि ऑडियो वीडियो सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करना सीख चुके हैं और बताना भी सीख चुके हैं। ये तो मैंने 5 की बात की, इस तरह के 28 और सिम्टम्स हैं जो पहचान में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलने के लिए बैलेंस की जरूरत होती है, हम बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की तमाम गणनाएं अलग अलग। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज से 25 साल पहले जब ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता था, नहीं हो पाता था, तो ऐसा नहीं था कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, बस इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता नहीं था। और ये चीज मैंने कई सारे उदाहरण दिए, पहला इन्वेंशन पहिए का है, 5000 साल पहले रथ में इस्तेमाल हुआ था। जब पहिया नहीं था तो लोगों को भरोसा नहीं था कि पहिया जैसी कोई चीज हो सकती है जिसपे रथ या बैलगाड़ी चल सकती है। इस तरह के कई इन्वेंशन धीरे धीरे हुए। इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तब यह लगता था कि ऐसा भी क्या हो सकता है कि ऊर्जा को स्टोर या ट्रांसमिट किया जा सके। नो, इंटरनेट, कंप्यूटर, एरोप्लेन, ये तमाम विज्ञान की वो घटनाएं हैं जो होने के पहले असंभव थी। और कोई अगर इनके बारे में बात भी करता था ना, राइट ब्रदर्स जब एरोप्लेन को इन्वेंट कर रहे थे, बना रहे थे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, कैसे कुछ उड़ सकता है, परिंदे चिड़िया अलग है, हम इंसान है, ये पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 100-125 साल पहले पुरानी बात है ये। लेकिन फाइनली हवाई जहाज बना भी और उड़ा भी, और जब बन के उड़ने लगा तब ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आ गया। हम आज आसानी से कह देते हैं कि हम फ्लाई करके जा रहे हैं, 200 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सब कहने का उद्देश्य ये है कि अगर हमको ये लगता है कि रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ थ्योरी ये सब बकवास है, तो मेरी तरफ से इस विचार में सिर्फ इतना संशोधन कर लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि आम मानव के पास आज की उपलब्ध साइंस में इसके लिए एविडेंस ना हो। और ये बिल्कुल हो सकता है कि 25 साल बाद, 50 साल बाद सारी एविडेंस मिल जाए, तो हम तब तक के लिए क्यों इसका मजाक उड़ाएं और क्यों ना समझने की कोशिश करें कि आखिर ये है क्या। एक उदाहरण देता हूं,
विकास बैठे हुए हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। विकास से मैं कहता हूं कि अपना मोबाइल ऑफ कर ले और मैं अपने मोबाइल से एक फोटोग्राफ खींच के भेज देता हूं व्हाट्सएप पे विकास के मोबाइल से, और उसके बाद उस फोटोग्राफ को अपने मोबाइल से डिलीट कर देता हूं। आप सिचुएशन देखिए, वो फोटोग्राफ मेरे मोबाइल पे नहीं है, वो फोटोग्राफ विकास के मोबाइल पे भी नहीं है क्योंकि उन्होंने तो स्विच ऑफ कर रखा है। वो फोटोग्राफ है कहां आखिर? और सच्चाई ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाके विकास अपना मोबाइल अगर ऑन करेंगे तो उनको फोटो मिल जाएगी। सवाल ये उठता है कि ऑन करने के पहले वो फोटो कहां थी? एक जवाब होता है कि वो मोबाइल के कैश सर्वर में रही होगी। मेरा प्रश्न ये होता है कि हमको मालूम है कि किस कैश सर्वर में है। आप वहां अपनी पसंद के 100 इंजीनियर बिठा लीजिए, क्या आप वहां से वो फोटोग्राफ पा सकते हैं? द आंसर इज ए बिग नो। और जानिएगा, यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी हमारी अर्थ की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, और मैंने कई कई विटनेसेस के देखे हैं, कई कई एविडेंसेस देखे हैं, और मेरा दिमाग सच में हैरान रह जाता है कि यूनिवर्स में क्या क्या होता है, और आज हम कुछ उदाहरणों की उसमें आपसे चर्चा भी करना चाहेंगे। ये जो मैं बात कर रहा था फोटोग्राफ की, ये इससे लिंक्ड है कि मरने के बाद आत्माएं कहां जाती हैं। वो कहीं भी रहती हो, यूनिवर्स उनको मैनेज करता है, उसी तरह से जैसे कि हमारा आपका सो कॉल्ड एडवांस्ड कैश सर्वर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाला उस डिलीटेड फोटोग्राफ को मैनेज करता है। और ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक बात हुई किन सिद्धांतों पे हम वर्क करते हैं। मेमोरीज, लाइफ आफ्टर लाइफ बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिजम्पशन है, ये मानना पड़ेगा हमको कि पुनर्जन्म होता है। इस पूरी पीएलआर सेशन का, पूरे हिप्नोटिज्म का बेसिक सिद्धांत यही है कि पुनर्जन्म होता है। एक के बाद एक जन्मों में आत्मा आती है, शरीर बदलती है। गीता में और तमाम धर्मों में भी इसका उल्लेख किया गया है, और गीता में तो कई उदाहरण भी इसके दिए गए हैं, शिखंडी का, भीष्म पितामह, तमाम दिए गए हैं। उसके बाद भी यह प्रक्रिया चल रही। करंट माइथोलॉजी का जैसे कोई एविडेंस नहीं है, प्रेजेंट लाइफ में गौतम बुद्ध ही ने पहली बार इसको रेफर किया था, और ये सारी चीजें खासतौर से पास्ट लाइफ रिक्रिएशन 1989 से ज्यादा पिकअप की है, सिर्फ 32 साल पहले। 50 साल पहले मैं नहीं समझता कि कोई इसके बारे में ज्यादा जानता होगा, और आज ये बहुत पॉपुलर है। 1989 में कैथरीन, नकली नाम है, प्रोफेसर ब्रायन वॉयस उसको हिप्नोटाइज करके उसके पेट का दर्द का इलाज कर रहे थे। उन्होंने पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ा हुआ था, तो जब वो हिप्नोटाइज किया उन्होंने पेट के दर्द के इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट से, वो तो कैथरीन ट्रांस में चली गई, और चूंकि प्रोफेसर ब्रायन वॉयस को पता था कि इस तरह की चीज होती है, उन्होंने पिकअप कर लिया और उन्होंने इसके बारे में बताना शुरू किया, और आगे ये होना चला। इसमें एक चीज और मदद की है, इसमें किसी खास विद्या की जरूरत नहीं पड़ती। मैं देख रहा हूं कई महिलाएं ग्रुप में सामने, आप सब एक से एक बढ़िया खाना बनाती हैं, लेकिन आपने किसी प्रोफेशनल केटरिंग इंस्टीट्यूट में इस चीज की ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस काम के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बस बेसिक गाइडलाइंस जो हम आज चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, उसको फॉलो करके इसको कोई भी कर सकता है। और कौन लोग नहीं कर सकते सिर्फ उनको बता देते हैं उनके बारे में, जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिक अप्लाई करते हैं कि हो कैसे सकता है। और आप में से तो ज्यादातर लोग लिवर क्लींस किए हुए हैं, और आप जानते हैं कि लिवर क्लींस क्या रिजल्ट देता है, और वहीं पे कोई अगर लॉजिक अप्लाई करने लग जाए, कह रहे ये कैसे हो सकता है, तेल और नमक पीने से कहीं इलाज होता है क्या? हमारे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है। गुड बाय, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते।
लेकिन चूंकि आप इसको कर चुके हैं और आप जानते हैं ये कितना इफेक्टिव है लिवर क्लीन, बिना आर्गुमेंट के इसको भी जानना शुरू कीजिए, पास्ता एजुकेशन को, यकीन मानिए मजा आ जाएगा। कुछ बेसिक चीजें और एक बार कल्पना करके देखिएगा, मेरा सवाल है आप सभी से, अपने आप से भी ये सवाल होता है कि एक नेटिव जातक जो जन्म लेता है बच्चा, उसकी उम्र टोटल लाइफ अगर 120 साल मान ले, कुछ गणनाओं से ही आता है, तो आने वाले 120 साल का खाका हम ज्योतिष से पता कर सकते हैं, उसकी हाथ की उंगलियों से उसका भविष्य पता चल जाता है, उसकी कुंडली से पता चल जाता है उसके भाई बहन माता पिता बच्चों के बारे में, और ये समीकरण हर जगह लागू होता है। इसके अलावा वास्तु है, जातक है, नाड़ी शास्त्र है, तमाम शास्त्र हैं। मुझे तो खुद हैरानी होती है ये यूनिवर्स किस डायमेंशन में फंक्शन करता है, और कभी इसमें गलती नहीं होती। फैक्ट्री में पुर्जे बनाने में गलती हो सकती है, किसी भी फैक्ट्री में, लेकिन अंगूर की खेती में बेरुकते हुए कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। ये नेचर का कमाल है, ये कुदरत का करिश्मा है और जस्ट अद्भुत है। मैं कुछ केसेस के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो रिजॉल्व किए गए। एक दुबई से रखाया था, होगा 28-30 साल का, उसके घुटनों में भयानक दर्द रहता था। हाँ, एक चीज ये कि मैंने शुरुआत कैसे की, ये सारी शुरुआतें एक्सीडेंट से होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज आपके सामने बैठ के इस विषय पे ऐसी चर्चा करूंगा, या 1.5 साल पहले लोनावाला में हम 24 लोगों के साथ ये सेमिनार करेंगे, और यकीन मानिए एवरीबडी वॉज हैप्पी, इज हैप्पी एंड विल बी हैप्पी, कंटिन्यू टू बी हैप्पी, क्योंकि उस सेशन में उन सबको पता चल गया कि कितना आसान है और कितनी आसानी से रिजल्ट्स आ जाते हैं। और रिजल्ट्स आते क्यों हैं? क्योंकि यूनिवर्स सपोर्ट करता है, और ये भी मुझे लगता है कि यूनिवर्स अब सपोर्ट कर रहा है, शायद ऐसा सपोर्ट 40 साल पहले नहीं था, क्योंकि मैं जितने लोगों को भी देखता हूं इस बारे में चर्चा करता हूं, उन सब का कहना है हाँ रिजल्ट्स आते हैं, बस करना शुरू कर दीजिए रिजल्ट्स आ जाते हैं। टेक्निक के बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं कि क्या क्या इससे मुझे सफलताएं मिली है। शुरुआत में ही एक लड़का था, उसके घुटनों में दर्द रहता था, उसने बहुत ज्यादा जगहों पर दिखा लिया था, कहीं कोई इलाज नहीं मिला था, बस किसी रेफरेंस सेशन के लिए आया, और सेशन में क्या हुआ वो अद्भुत था। वो पोर्ट ब्लेयर की एक जेल में जेलर था, और वहां पे अंग्रेज जेलर था, और उसकी सिर्फ एक इंटेंशन रहता था, जो भी कैदी आया उसके घुटने पर लाठी मारे, जिससे कि वो नारियल का तेल ज्यादा से ज्यादा निकाल सके। वहां पे आदमी को कोलू के लिए बैल की जगह लगाया जाता था, और वो आदमी दर्द से पिस्टा हुआ कोलू के बैल की तरह तेल निकालता था नारियल का। उनके श्राप लगे, उसने माफी मांगी, एंड इट वॉज ऑल ए प्रोसेस ऑफ से 75 मिनट्स, 1 घंटा 15 मिनट में, और उसका कंफर्मेशन आया कि उसके बाद से उसको कभी दर्द नहीं हुआ। पेट में दर्द हो और अचानक उठ जाता हो, सालों साल चलता हो, तो मैंने एक प्रेजम्पशन लिया कि उनकी पिछले जन्म में पेट में चक्कू मार के हत्या की गई थी, और सेशन में ये दर्द निकल जाता है, पेट ठीक हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से, क्योंकि पहले जमाने में बंदूकें नहीं हुआ करती, कट्टे से मार दिया, सर फट गया, और उसको दर्द सहने का भी टाइम, दर्द वहन करने का भी टाइम नहीं मिला। एक केस में हुआ था कि लेडी केम, फिल्म इंडस्ट्री की थी वो, उनका कहना था उनको कोई परेशानी नहीं है, ही जस्ट केम फॉर द ट्रायल, की होता क्या है, किसी रेफरेंस से आई थी तो मना करने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा मैं सेशन तो कर दूंगा, लेकिन अगर कोई कारण ढूंढेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। शुरू में ना नौकर, क्योंकि हर आदमी की एक प्राइवेट लाइफ होती है, और मेडिसिन में, एस्ट्रोलॉजी में और PLR में हमको प्राइवेट लाइफ शेयर करनी पड़ती है, अक्सर हम इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वो भी नहीं थी,
लेकिन एक दो मिनट की चर्चा के बाद उनको लगा कि नहीं बताना पड़ेगा, एंड शी सेड शी हेट्स हर मदर लाइक हेल। मैंने कहा ओके, आर यू थर्ड और फोर्थ डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स? वो चौंक गए क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की हुई थी इस चीज की। उन्होंने कहा हाँ वो तीसरी लड़की है। अब आप भी समझ रहे होंगे इट्स ए केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी सिर्फ इतनी ही नहीं थी, आगे भी हुआ। मैं उसको लेडी को लेके गया से 7 to 8 months बिफोर डिलीवरी, जब कंसीव किया हुआ था जस्ट, और मदर और फादर के बीच का कम्युनिकेशन उनको सुनाया गया और जो बातचीत हो रही थी तो मदर वांटेड टू कीप हर, लेकिन फादर ने कहा पैसे नहीं, गरीब घर के थे वो, हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे इसको। देन दे वेंट फॉर एमटीपी। एमटीपी में भी वो फेल हो गया बिकॉज ये अपने को यूट्रस से चिपका ले गई क्योंकि इनको जिंदा रहना था। शी वॉज अडमेंट और इनकी फीलिंग अभी भी यही है कि मुझे सर्वाइव करना है। ये लाइफ में बहुत फास्ट है और बहुत डिटरमिंड अभी भी है। और जब आगे चर्चा हुई तो इन्होंने खुद कंक्लूड किया कि ये सब करने में मदर की गलती क्या थी। एंड बिलीव मी, अगले दिन उनका फोन आया था कि रिलेशंस में 50% तो एक बार में सुधार हो गया। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं इसके। एक और किस्सा मेरा वेबसाइट पे है इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये मेरी नजर से भी स्ट्रेंज हुआ। एक चीज और, लाइफ खाली इसी प्लेनेट पे नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे प्लेनेट्स हैं। अब अंदाज कीजिए कितने होंगे, वो संख्या अनगिनत नहीं है, काउंट नहीं किए जा पा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन शायद काउंट हो सकते हैं कभी ना कभी। और युधिष्ठिर ने भी कहा था सबसे ज्यादा तेज गतिमान मन है। हम मन में सोचने के साथ कहां से कहां पलक झपकते पहुंच सकते हैं, अभी यहां, कभी सूरज पे, कभी मंगल पे, कुछ भी। यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। आप इसमें मुझे मजे की बात जो दिखती है कि जो भी सेशंस किए जाते हैं और उनके जो भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। ये सरप्राइजिंग है लेकिन ये फैक्ट है। जैसे कि मैंने अपने सेशन में पाया कि यूनिवर्स की 3% पॉपुलेशन अर्थ पे है और 97% पॉपुलेशन अदर प्लैनेट्स पे है। तो ऐसा नहीं है कि 3 और 97 मुझे दिखेगा। जितने भी लोग सेशन कर रहे हैं और इस बारे में जानकारी पा रहे हैं उन सबको मिलेगा कि ये यूनिफॉर्म है। हमने अदर प्लैनेट्स के बारे में, मेरे ख्याल से मैंने 40 सेशन किए होंगे, मैंने क्लोज टू 700-800 सेशन किए हुए जिसमें 40 सेशन तो मेरे ऊपर हुए सिर्फ जानने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग सेशन, हर सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है और कुछ ना कुछ ऐसा देके आता है कि वहां तक दिमाग नहीं जा सकता। एक सेशन था मैं कर रहा था, उसमें मैंने जानने की कोशिश की कि समुद्र के नीचे 11 किलोमीटर नीचे जो मछली होती है वो तो ऊपर आ नहीं सकती कभी, तो क्या उसको पता है कि ऊपर कोई अर्थ है और क्या उसको पता है कि उसके ऊपर कोई सिविलाइजेशन है, कैसे पता किया जाए। हम गए मछलियों के देवता के पास। शुरू में तो उन्होंने नो एंट्री कर दिया, बिल्कुल नो एंट्री, नथिंग नथिंग नथिंग। रिक्वेस्ट की, प्लीट की कि हम जानना चाहते हैं इसके बारे में, जिज्ञासा है। उसके बाद उन्होंने अपने महल के अंदर हमको लिया और हमको लेने के साथ हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत ही उचित तरीके से दिए, हर चीज एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा कौन से पृथ्वी, कौन से लोग, हमें कुछ नहीं पता है। मैंने कहा ऊपर की लाइट आती है, आपको ये नहीं लगता कभी कि लाइट कहां से आती है? कह रहे हाँ कभी कभी रोशनी आती है क्योंकि अक्सर स्कैटरिंग डिफ्यूजन रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट पहुंच भी नहीं पाती है। उन्होंने कहा हाँ होता होगा, कोई लाइट वाइट कहीं से आती होगी। मैंने कहा कभी शिपरेक होता है, कुछ सामान गिरता हुआ आपको ऊपर से दिखाई देता है? ये मछलियों के देवता से बात हो रही है, मछलियों से बात हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, वो तो हम मान लेते हैं कि वो यूएफओ टाइप होता है। हाँ एक चीज और, उनको कैसे पता कि यूएफओ क्या वर्ड होता है? जब हम सब कॉन्शियस लेवल पे बात करते हैं और मीडियम सब कॉन्शियस होता है तो सब कॉन्शियस लैंग्वेज कन्वर्ट करके बात करता है। ऐसा हो सकता है कि आपका किसी का पिछले जन्म स्पेन का हो और वहां सिर्फ स्पेनिश चलती हो, लेकिन जब सेशन किया जाएगा तो
तो आप हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश बंगला में बात करेंगे, क्योंकि ये काम सबकॉन्शियस तक करता है कि लैंग्वेज को कन्वर्ट करके चेंज करके रहता है और हमको पता नहीं चलता है। ये हुआ था मछलियों का सेशन। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन, मेरी लाइफ का आज तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आखिर इतनी आत्माएं कहां से आती हैं? तो आत्माओं का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होता है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट भी होती है, फिर दूसरे प्लैनेट से भी सोच जाती है, और अनुभव के साथ पता चल जाता है कि कौन इस अर्थ के हैं और कौन लोग बाहर से आए हुए हैं। जो दूसरे प्लैनेट से लोग आते हैं वो सीधे ईमानदार होते हैं, झूठ नहीं बोलते, वो उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स रहती है, परमानेंट रहती है, उनको यहां का माहौल अर्थ का रास नहीं आता, लेकिन वो गिला शिकवा में नहीं रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, प्रेमी होते हैं और थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मुझे उनकी परमिशन है जिनके साथ मैंने सेशन किया था, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वरना हर सेशन पूरी तरह से सीक्रेट होता है, और इस नियम का पालन आप सभी लोग करते रहे होंगे और करने वाले भी होंगे, और थोड़ा हमको भी डर लगता है कि अगर इस नियम को हमने तोड़ा तो कहीं इस विद्या से हाथ ना धोना पड़ जाए, जो कि हमारे लिए बेशकीमती है। उस सेशन में संदीप यहाँ पे हैं, उनकी डॉटर 25 साल की विधि सूत फरीदाबाद में रहती है, और हमारी एक को ट्रस्टी है टेम्पल ऑफ हीलिंग की हर्षिता जैन, उनका बेटा रिशित 15 साल का। इन दोनों के साथ जब चर्चा हो रही थी तो मैंने अचानक ऑब्जर्व किया कि ये लोग इस प्लेनेट के नहीं है। ये मेरी लाइफ का सबसे यूनिक एक्सपीरियंस है, कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हुआ। फिर मैंने इन लोगों से बातचीत करना शुरू किया। अच्छा, मोस्टली सेशन में फोन पे करता हूं, क्योंकि सबके लिए प्राइवेसी का भी इशू होता है और मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं करता हूं, शौकिया करता हूं, मजा आता है। इन दोनों से मैंने अलग अलग बात की, फिर पेरेंट्स से बात की, और इन ऑल मैंने दोनों से कहा एक सेशन करना है जिसमें उस प्लेनेट से आए हैं, जहां उस प्लेनेट पे जाना है जहां ये दोनों यहां से आए हुए हैं। टेलीफोन पे दोनों का साथ साथ सेशन शुरू किया गया, ये पूरा वेबसाइट पे है, मेरी लिंक है इस पे, मैं कैसे 1.5 घंटे का है और अमेजिंग ऑब्जर्वेशन से, और मैंने इन दोनों को साथ साथ सेशन शुरू करके वहां भेजने की बात की। था इनको बहुत लविंगली, रिस्पेक्टफुली और केयरफुली लेके गई, और जिस तरह से ये दोनों भाई बहन आपस में बात करते हुए यूनिवर्स के उस कोने पे गए हैं जो 445 लाइट ईयर्स दूर है, 445 लाइट ईयर्स, मतलब हम वहां कभी फिजिकली तो पहुंचने की सोच भी नहीं सकते, और दोनों वहां पे रोड पे घूम रहे हैं, आसमान पे घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और मजे की बात ये, इन दोनों की बात सुन के हमको आपको ऐसा लगेगा कि दोनों सच में वहां पे पैदल टहल रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़े हुए, और जो चीज देख रहे हैं ये दोनों एक ही चीज देख रहे हैं। इन सब बातों को लेके भरोसा और बढ़ता चला जाता है कि नहीं, ये जो कुछ भी है ये सच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक और स्टोरी है यहोवा की, मिशेल की। ये रेफरेंस इसलिए जरूरी है कि बहुत बार प्रश्न उठता है कि लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स क्या है। मिशेल 1989 में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एक गांव से उनको यहोवा लेने के लिए आई थी रात के 12 बजे, और वो लेके गई, और उन्होंने सिर्फ इतना टाइम दिया था कि जैसे हो वैसे चले चलो, घर पे एक स्लिप लिख के रख दो कि 10 दिन बाद वापस आ जाऊं, और ये दूसरे प्लेनेट पे लेके गई थी उनको फिजिकल फॉर्म में, ऐसा वर्ल्ड में कोई और किस्सा कहीं भी नहीं है। एंड ही केम बैक आफ्टर 10 डेज, और पूरे 10 दिन की यात्रा उन्होंने कुछ 150-200 पेज में लिखी हुई है, जो मेरी वेबसाइट पे है, यहोवा प्रोफेसी जर्नी ऑफ मिशेल इस नाम से है वो, और उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि क्या फिजिक्स है, किस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जितना भी टाइम उनको लगा दूसरे प्लैनेट तक जाने में, उसमें सबसे ज्यादा टाइम उनको लगा हमारा सोलर सिस्टम क्रॉस करने में,
और इसके बाद की यात्रा उनके लिए काफी तेज और काफी कंफर्टेबल और काफी आसान थी, और जो कुछ हुआ वो सब उन्होंने डिस्क्राइब किया, और उस पे प्रश्न करने वालों ने जो प्रश्न किए तो जवाब देने वालों ने ये जवाब दिए कि वो आदमी इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं कि इतनी कहानी बना सके। और सच में मैंने उसके वीडियो भी देखे हैं, सब साइट पे हैं, सब वेब पे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको विश्वास करना होगा इस पे। अब मुझे इसमें अगला स्टेप ये कहना है, लॉजिक की बात हम कर रहे हैं, हम थोड़ी देर में प्रोसेस, आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करके सीधे सीधे लेवर क्लींस कर लिया, नहीं कोई बात नहीं पी के देखते हैं नमक बदल से होता क्या है, और आपको पता चला कि शरीर से जहर निकाल के हम अपनी जिंदगी की कहानी कितनी आसानी से पूरी तरह से बदल सकते हैं। वही बात इस सेशन के साथ भी होती है। इस पीएलआर के सेशन करने और कराने के बाद देखेंगे अद्भुत रिजल्ट्स आते हैं जिसका कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। सेशन कैसे होता है ये हम चर्चा करेंगे अभी। कुछ इसमें सवाल उठते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। सबसे पहली चीज, हिप्नोटाइज करना जरूरी है। हिप्नोटाइज सम्मोहन आप सबने सुना होगा, फिल्मों में सुना है आपने, देखा भी है। फिल्मी सम्मोहन बिल्कुल अलग चीज होता है, हम यहां उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो फिल्मों में होता है, ये फिल्मों का खेल नहीं है, ये सीरियस है। ये सम्मोहन की पहली कंडीशन ये होती है कि क्लाइंट को थेरेपिस्ट के सामने 100% सरेंडर करना होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। थेरेपिस्ट जब कहेगा कि आप अपने पैर को ढीला छोड़ दीजिए, और आपने मन में सोच लिया क्लाइंट ने है क्या फर्क पड़ता है, अपना उंगलियां हिलाते रहे, ट्रांस होगा ही नहीं, हिप्नोटिज्म होगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा। हिप्नोटिज्म नीड्स 100% कंसेंट, पहली चीज। ट्रांस में जाने के बाद अक्सर डर होता है कि अगर हम वापस लौट के नहीं आए, ये कभी होता ही नहीं। अगर कोई भी सजेशन नहीं दिया गया तो 20 मिनट के अंदर हर जना अपने आप ट्रांस में लौट के ट्रांस से वापस आ जाता है। दूसरी बात, एक फियर ये होता है कि अगर हम ट्रांस में चले गए और कोई सीक्रेट बात उगलवा ली तो क्या होगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। ट्रांस चाहे जैसा हो आपको सब कुछ फील होगा, पंखा चल रहा है कि नहीं, एसी चल रहा है कि नहीं, इधर उधर की लाइट्स शोर शराबाई ये सब आपको महसूस होगा। ऐसा पॉसिबली नहीं है कि आपसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवा ले जाए, और जिस वक्त ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाने की बात आ जाएगी आपका ट्रांस अपने आप टूट जाएगा, और कोई भी थेरेपिस्ट ये सब कभी करेगा नहीं, इट्स नॉट वर्थ डूइंग, क्योंकि करके भरोसा खोएगा और मिलने वाला कुछ भी नहीं है। कंसेंट, मैंने ये टेलीफोन वाला जो शुरू किया ये बहुत इफेक्टिव रहा, मैंने पहले सोचा नहीं था कि टेलीफोन पे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जहां रिश्ता भरोसे का होता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट पे, अगर रिश्ता भरोसे का है तो ये फटाफट ट्रांस होता चला जाता है और हिप्नोटिज्म होता चला जाता है, सम्मोहन, इसके आगे की प्रक्रिया चालू रहती है। अब बात आती है करेंगे कैसे। मैं तो स्ट्रांगली बोलता हूं पहले लिवर क्लींस, के बगैर तो मैं करता ही नहीं, कभी भी नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है लिवर क्लींस के बाद अगर बॉडी बेटर कंडीशन में होती है तो रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। प्रोसेस पे हम अभी आएंगे, मैंने इसमें कई वेरियंट्स ढूंढे और वो बहुत इफेक्टिव रहे। सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट drpiyushsaxena.com में मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ करके है, उसमें एक हेडिंग में सब कुछ दिया हुआ है और वही मेरी पूरी किताब है। मैं इसको छापूंगा नहीं क्योंकि मुझे लगता है छापने में इश्यूज ज्यादा है, इसमें रेगुलर अपडेशन भी है और शायद छापने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने अपने प्रयोग हर जन के बड़े अलग अलग होते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मिनिमम एज 10, 11, 12, 13 साल के बच्चे के लिए आराम से कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली प्यूबर्टी वाले एज के बच्चों का सेशन बहुत ही स्वीट होता है, वो ऐसे बोलते हैं जैसे यूनिवर्स खुद बोल रहा है, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। किनके सेशंस अच्छे होते हैं किनके नहीं अच्छे होते हैं ये भी जान लीजिए। हार्ड कोर लॉजिक अप्लाई करने वाले, उनके सेशंस अच्छे नहीं होते हैं। किनके अच्छे होते हैं,
क्रिमिनल्स के सेशन अच्छे होते हैं और ट्रांसजेंडर्स के सेशन मुझे आज तक द बेस्ट मिले। एक मिनट लगता है उनको जाने में बस। ट्रांसजेंडर्स पे आपको बताया मैंने किताब लिखी हुई है, मैंने सोचा इनका पीएलआर किया जाए और जब मैंने पीएलआर किया तो मैं हैरान रह गया, एक मिनट बस एक मिनट, और वो ऐसे देखते हैं चीजों को जैसे कि बिल्कुल सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अमेजिंग सेशन, इस तरह के सेशन अलग अलग इफेक्टिव। ओके, प्रोसेस में सेशन को टाइम दीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा इसमें। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप सेशन दूसरों के ऊपर करना शुरू करें, जितना मेरा लिटरेचर है उतना सफिशिएंट है किसी को भी सेशन शुरू करने के लिए, इसके अलावा किसी भी और थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। 2009 में जब मैंने सीखा था इसको, मैंने प्रोफेशनली सीखा था तृप्ति जैन मैडम से और 5 दिन का कोर्स किया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगना शुरू किया जब मैं सेशन किए कैसे, लोग कहाँ से मिले, अपने कई ग्रुप से मिले, व्हाट्सएप तब तक आ चुका था, मैंने कॉन्टैक्ट किया लोगों को कि मैंने ये सीखा है करना चाहता हूँ, करते 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 मजा आने लग गया, फिर और सेशन अलग अलग वैरायटी क्लेरिफिकेशन दिस दैट चलते चलते, फिर उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि औरों के ऊपर करना चाहते हैं, मैंने कहा करना शुरू कीजिए और देखा कि सबके सेशन सक्सेसफुल हो रहे। और अगर 10 में से एक सेशन सक्सेसफुल नहीं होना तो चिंता मत कीजिएगा, हो सकता है यूनिवर्स की मर्जी ना हो कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट का सेशन करने का वक्त अभी ना आया, हो सकता है कभी ना आए और हो सकता है कल आ जाए, ट्राई अगेन। मैंने दिया हुआ है कि अगर सेशन फेल हो तो क्या करना है, उसके भी तरीके होते हैं और उस वहां से निकाल निकाल के अक्सर सारे सेशन ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। मेरे कुछ 4-5 सेशन ऐसा हो सकता है कि ना सक्सेसफुल हुए हों, मतलब रिजल्ट ना आए हों, अदरवाइज हर केस में आते हैं और पेशेंस रखना होता है। थोड़ी सी बात करते हैं प्रोसेस की। मैंने बताया लेबर क्लीन्स मस्ट है, उसके बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। उसके अलावा प्रीवियस नाइट में स्लीप गुड क्वालिटी हो, बॉडी फ्रेश होगी तो ट्रांस और भी अच्छा होगा। केस हिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए इश्यूज को लेके और जो छोटे इश्यूज है उनको भी लेके। ऐसा भी होता है कि आपने सोचा कि कोई इशू आपके लिए बहुत बड़ा है, वो इशू आपके लिए बड़ा हो सकता है लेकिन सबकॉन्शियस आपकी पूरी लाइफ को चारों तरफ से देख रहा है। हो सकता है सबकॉन्शियस की नजर में कोई दूसरा इशू इससे भी बड़ा हो और वो उस इशू को टेकअप कर ले। सबकॉन्शियस के फैसले को ऑनर कीजिएगा, सबकॉन्शियस क्या है ये भी जान लीजिए, बेसिक सब जानते हैं। मान लीजिए कि जन्म के समय पहली चीज आत्मा का प्रवेश गर्भ में कब होता है, 4 months and 4 days, लास्ट 4 months and 4 days, हाँ ये पीरियड माना गया। ये सब सेशन से निकाले गए, सेशन से कर करके निकाले गए। तो जब ये बात हो रही है कि सेशन कैसे करें तो मैंने वो बताया लिवर क्लीन बॉडी फ्रेश, ये मोस्टली लोग लाइंग डाउन कंडीशन में करते हैं, कुछ बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े के सेशन नहीं हो पाता है, जैसा जिसको सूट करे, मोस्टली लाइंग डाउन। सजेशन देने होते हैं गहरी सांस लीजिए 2-3 बार, बॉडी को फ्रेश महसूस कीजिए एज मच एज यू कैन। दाहिने पैर से शुरू करते हैं पूरे लेग को, फिर लेफ्ट टो से पूरे लेग को, उसके बाद अपवर्ड हेड तक जाते हैं। इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स कि इसको हल्का महसूस करें, इसको हल्का महसूस करें स्टेप वाइज। उसके बाद एनर्जी का कर्टेन इमेजिन कराते हैं। इमेजिन कराने का बहुत रोल है, जैसे किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करने की एक प्रोसेस होती है ना, ऐसे ही इसको स्टार्ट करने की एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस फॉलो करना है, इसे इमेजिन करना ही करना है। जब बॉडी डीप ट्रांस में चली जाती है तो क्लाइंट को बोलते हैं कि अपने पसंद की कोई भी खूबसूरत जगह इमेजिन करें जहां पेड़ पौधे पशु पक्षी पहाड़ नदी पानी बर्फ,
ये सब हो लेकिन ह्यूमन बींग्स ना हो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की प्रेजेंस अपने आप में इंडिकेट करती है कि वहां कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट पॉसिबल है। जबकि बाकी जो मैंने बताया, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, बर्फ, जानवर, इनका कोई स्वार्थ नहीं होता, सब में लाइफ होती है, सब बहुत अफेक्शनेट होते हैं और वहां पे जाके इंसान को सच्चा प्यार महसूस होता है क्लाइंट को। एक दो मिनट का स्टे वहां पे, कभी बात करे पत्थरों से, कभी पहाड़ों से, कभी जानवरों से, और बड़े मजेदार ऑब्जर्वेशन वहां पे मिलते हैं। कई बार वो गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट आपको सेशन में लगेगा मिलेगी, आपके हाथ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी खरगोश ने आपको एक गुलाब का फूल लाके दे दिया कि मुसीबत में काम आएगा, तो वो मेमोरी में आ जाता है, वो सॉफ्ट कॉपी होती है, ये हो गया। उसके बाद वहां से इसको निकाल के लेके जाते हैं एक खुले मैदान में, बहुत बड़ा, जहां पे कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ पौधा, पशु पक्षी, कुछ भी नहीं, कोई इंसान नहीं, अकेला क्लाइंट चलता चला जा रहा है। चलते 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 एक 15-20 सेकंड के बाद उनको बताते हैं, इमेजिन कीजिए दूर पे सामने एक घर है, और घर में लेके जाते हैं और लेके घर के सामने खड़े होके वहां पे कहते हैं कि अब आप घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाइए। ये सब इमेजिन करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये इमेजिन करना है। दरवाजे के सामने खड़े हो जाइए और दरवाजे से रिक्वेस्ट कीजिए, दरवाजा आपको परमिशन देगा, हर हाल में परमिशन देगा, अगर नहीं दे तो थोड़ा रिक्वेस्ट ज्यादा कर लीजिए। अंदर जाएंगे, फिर इमेजिन करना है कि अंदर कमरा है एक छोटा सा, उसमें दाहिनी तरफ सीढ़ियां उतर रही हैं, सीढ़ियों पे मैरून कलर का कारपेट है, मार्बल के रेलिंग्स हैं, गोल के हैंडल हैं, 10 सीढ़ियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके एक एक कदम करके धीरे धीरे क्लाइंट को नीचे उतरने के लिए बोल दीजिए। सब इमेजिन करना है, लाइंग डाउन कंडीशन में, आंखें बंद, बॉडी ट्रांस में, वो इमेजिन करके नीचे उतर रहे हैं। नीचे जाने के बाद उनको बोलना है कि अब चारों तरफ देखिए, आपको वैसे ही दरवाजे दिखाई देंगे जैसा ऊपर था, ये भी इमेजिन करना है। मजे की बात यह है, जब आप कहेंगे कि हर दरवाजे के पीछे अलग अलग जिंदगी की अलग अलग कहानियां ऑडियो विजुअल फॉर्म में है, एक्चुअली वहां स्मेल, टेस्ट ये भी आता है और टच भी आता है, और जो आपकी प्रॉब्लम है उसका ओरिजिन किस लाइफ में था, वो दरवाजा आपको कुछ इंडिकेट करेगा। अमेजिंग है, बिल्कुल इंडिकेशन आता है, और इंडिकेशन आने के बाद दरवाजे से परमिशन लीजिए, उसको अपनी तरफ खींचिए, खोलिए और अंदर जाइए। और अंदर जाके इन सो मेनी केसेस अंदर अंधेरा दिखाई देता है, और थेरेपिस्ट और क्लाइंट को पहली बार में ये भरोसा में लगता है कि उसका सेशन फेल हो गया। एक्चुअली फेल नहीं, अंधेरा इसलिए है कि यूनिवर्स में अंधेरा है, यूनिवर्स में रोशनी नहीं है, रोशनी सूरज की है। अंधेरे में अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप तो सेशन में है ना, आप टटोल सकते हैं, दोनों तरफ टटोलिए, या पैर के नीचे क्या है, पैर के नीचे कीचड़ हो सकता है, मड, सूखी मिट्टी हो सकती है, मार्बल हो सकता है, कारपेट हो सकता है, सूखी पत्तियां हो सकती हैं, गीली पत्तियां हो सकती हैं, कांटे बिछे हो सकते हैं, सड़क हो सकती है, पगडंडी हो सकती है। आपको पता चलेगा, नहीं पता चले तो थोड़ा और आगे चलिए, थोड़ा और आगे चलिए, और आपके हाथ में है ये कि आप सोचें कि जहां पे आप हैं वहां से 12 घंटे आगे चले जाइए। ये तो आप फ्लैश ऑफ ए सेकंड, मन की गति से जा सकते हैं, और जैसे ही आप 12 घंटे आ गए, आपको सब तरफ रोशनी दिखाई देने लग गई, और आपको पता चलेगा या तो आप जंगल में है, या खेत में है, या महल में है, घर में है कहीं, और ये आपकी पास्ट लाइफ एक्चुअली शुरू हो चुकी है। अब आप देख पा रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या है, वहीं पे ट्रांस को और बढ़ाते हुए देखते जाइए घटनाक्रम जो कुछ है। इसके बाद नेविगेशन क्लाइंट का काम है, लेकिन ध्यान रखिएगा, क्लाइंट को सपोर्ट तो यूनिवर्स कर रहा है, इसलिए डरने की तो कोई बात ही नहीं है, सफलता मिलेगी। करते जाइए, आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्दी
कितनी सफलता इन छोटी सी चीज में मिलने लग जाती है। इनके साथ ही अब मैं कुछ लोगों को इनवाइट करूंगा जिनके के जिन्होंने सेशन करे हुए हैं, वो अपने अनुभव बताएंगे और उसके साथ हम प्रॉब्लम्स लेना शुरू करेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। हाँ, एक चीज और बाकी रह गई, मेरा फेवरेट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बर्थ। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ संपर्क में रहते हुए आप ये विश्वास करने लगे होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी इज द बेस्ट। नॉर्मल डिलीवरी इज द बेस्ट, लेकिन वाटर बर्थ उससे भी अच्छी होती है। इस बारे में मेरा आर्टिकल है इसी टाइप्स ऑफ एसी में, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ में। नॉर्मल बर्थ में और सी सेक्शन में फर्क ये है, नेचर ने प्लान किया था कि डिलीवरी नॉर्मल कोर्स में पेड़ों के नीचे, पानी के पास और पत्तों के ऊपर हो। ह्यूमन डिलीवरी की बात कर रहा हूं। सी सेक्शन में ये प्लानिंग तो नेचर की कभी भी नहीं थी कि 10 डॉक्टरों की टीम सफेद कपड़ों में और अंदर बिल्कुल अंधेरा है, वहां से एकदम से पूरी रोशनी में आ जाए। वो झटका लगता है। इस तरह से मैंने 11 टाइप की बर्थ, बी डिलीवरी, मतलब जितनी कुछ पॉसिबल है सब मैंने लिस्ट बना के दिया हुआ है। उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं लाइफ में ये भी मैंने दिया हुआ है। एक बार उसको भी पढ़ेंगे तो आपको क्लाइंट के बारे में और उसका करेक्टर समझने के बारे में और भी मदद मिलेगी। इसके साथ हम शुरू करते हैं। टेक्निक के बारे में बताऊं, मैंने आपको स्टेयरकेस टेक्निक बताई है। स्टेयरकेस के अलावा कभी कभी टनल टेक्निक यूज करते हैं, जहां दरवाजे खड़े हुए थे बहुत सारे, उसकी जगह हम इमेजिन कराते हैं कि बहुत सारी सुरंगें हैं कई, और उसमें सुरंगों के आर पार जाना है और सुरंग के आर पार कहानियां अलग अलग जन्मों की हैं और जिन प्रॉब्लम्स में आपको जाना है उससे रिलेटेड सुरंग में जाइए। और इसी तरह से एक ब्रिज टेक्निक है, लेकिन यकीन मानिए सबकॉन्शियस सब कुछ अपने आप एडजस्ट कर लेता है। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगर कई बार कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है तो क्लाइंट से कहिए अपने मन में कोई एक वर्ड सोच ले। वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, वो वर्ड टीवी हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा हो सकती है, पेड़ हो सकता है, किताब हो सकती है, कोर्स हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी। और उस वर्ड के साथ सेशन शुरू कर दीजिए, सफलता मिलेगी। बट बिलीव में यूनिवर्स सपोर्ट करता है, इसकी ये काम होती है। अनुराधा, कुछ लोगों को मैं चाहूंगा कि वो अपने अपने किस्से सुना दें। किस्से मींस जो उनके साथ हुआ, कैसे कैसे फायदा हुआ है, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेना चाहेंगे। वन थिंग यू फॉरवर्ड आई थिंक कि हम पेइंग ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पीएलआर सेशन। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम रियली सॉरी दैट आई मिस्ड इट। आई एम रियली सॉरी एंड माय सिंसियर अपोलॉजीज टू द यूनिवर्स आल्सो कि इसमें हर स्टेप पे हमको ये महसूस होना चाहिए कि ये जो भी हमारे सेशन में आ रहे हैं, चाहे दरवाजा हो, चाहे सीढ़ी हो, चाहे अंदर का अंधेरा हो, मार्बल हो, पेड़ हो, शेर हो, कुछ भी हो, हमारा ग्रेटिट्यूड उनके लिए क्योंकि वो हमारे सेशन तक आए, ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच। तो अब हम शुरू करते हैं केसेस से, जिनके जिनके साथ जो जो कुछ हुआ है। अनुराधा शुरू करें। हाँ सर, लेकिन ज्यादातर लोग आए नहीं, इनवाइट किया था मैंने तो वो ज्यादातर लोग आए नहीं है सेशन जिनके साथ कुछ किया था मैंने। कोई बात नहीं, तो उसमें ऐसा करते हैं अनुराधा कि एक दो केसेस तुम सुना दो बिना नाम लिए हुए। बिना नाम लिए हम लोग रिफर कर सकते हैं, ठीक है? हाँ सर, मैं सुना देती हूँ। सर, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था कि एक है, एक औरत है, उसको लिफ्ट से बहुत प्रॉब्लम थी। वो किसी भी तरह लिफ्ट में नहीं जाएगी और उसको क्लस्ट्रोफोबिया था अगर हम बोले तो, और किसी भी बंद जगह में नहीं, यहाँ तक कि वो नहाएगी भी तो वो भी खुली जगह पे नहाएगी, उसकी इस तरह की प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे ही हमने पीएलआर किया, पीएलआर में पता चला कि वो पिछले जन्म में उसको उसका एक बंद कमरे में मर्डर हुआ था और उसको कमरे में छोड़ के बाहर से घर बंद करके चले गए थे लोग, तो वो बंद कमरे में घुट घुट के मर गई थी, इसलिए उसको बंद कमरे से डर था।
जैसे ही वो बंद लिफ्ट के बारे में बात भी करती थी तो उसका शरीर कांपने लगता था, उसको लगता था कि वो उस चीज को रिलेट कर लेती थी। और जैसे ही हमने PLR किया उसके दूसरे दिन से वो नॉर्मल होने लग गई, 2-3 दिन वो लोगों के साथ जाने लगी, फिर वो अब अकेले आराम से जाती है लिफ्ट में, और उसका पूरा क्लस्ट्रोफोबिया गायब हो गया अभी। इसी तरह से कुछ और भी केसेस हुए। हाँ बताओ बताओ, और किसी को अपनी कोई स्टोरी बतानी है, किसी को कुछ कहना है? डॉक्टर सक्सेना, गुड आफ्टरनून, दिस इज शिप्रा उपल फ्रॉम नोएडा। जी मैडम बोलिए। मेरे तो कई सेशंस आपके साथ हो चुके हैं और ये सेशंस अपने आप में बड़े ही विचित्र रहे, और मैं डीप में अपने सेशंस डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। लेकिन सर, जो मैंने इसके बाद जो एनर्जी ब्लॉकेजेस महसूस की और जो मैंने मैजिकली इन चीज़ों का असर देखा, मैं आज तक विश्वास नहीं कर पाती कि ऐसा कुछ होता है। और आपने खुद मेरे साथ ये चीज़ महसूस की है, देखा है कि कितना यूनिवर्स कितना मैजिकली सपोर्ट करता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी आपको एक एक डिवाइन सपोर्ट आता है आगे बढ़ने के लिए, आपको रीजंस मिलते हैं, खुद ब खुद सारी चीजें आगे बिजती चली जाती हैं, अपने आप सब कुछ सामने एज एक मूवी चल रही होती है, स्क्रीन पे सब कुछ क्लियर होता है और इतना क्लियरली सब देख रहे होते हैं, हर एक मोमेंट, हर एक करेक्टर जो वहां पे हमारे साथ हमसे जुड़े हुए मौजूद होते हैं वो अपने आप सरेंडर कर रहे होते हैं, हर चीज अपने आप आगे आके एक सॉल्यूशन पेश कर रही होती है, द थिंग्स आर प्रेजेंटेड ऑन प्लेटर। मेरे लिए इससे बड़ा फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड और कोई हो ही नहीं सकता। मैं इतनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड से भरी हुई हूँ कि यूनिवर्स ने आगे अगर पैर नीचे रखो तो शायद यूनिवर्स हाथ रख देता है कि पैर नीचे मत रखो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज है, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं इसकी जितना तहे दिल से धन्यवाद करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच, इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग, इट इज अमेजिंग सर, इट इज अमेजिंग। सर एक कैश खान बोल के हैं, उनका मैंने सेशन किया था, वो भी हैं, उनको मैं इनवाइट कर रही हूं। खान साहब बोलिए, कैसा रहा? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंड कह सकते हैं मैंने फुल ऑफ लाइफ, जो लाइफ को एक एक पल में एंजॉय करना भूल गया था या कह सकते हैं कि डीमोटिवेट होता चला गया था। कुछ राह ही नहीं दिख रहा था, लगता रहा था कि सब रास्ता ही बंद है, बट मैम के साथ सेशन में, मैंने मैम के साथ सेशन में बैठने से पहले आई वॉज ऑल्सो पेशेंट ऑफ थायराइड हाइपरथायरॉइडिज्म, बट अभी इतना इम्प्रूव हुआ है कि मतलब मैं अभी 80 kg मेरा ओवरवेट हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं लो करने के लिए, तो मैंने खुशी और भूख नींद ये सब जो उड़े हुए थे, मैंने हर चीज में मुझे मैंने सुकून मिल रहा है बिल्कुल, थोड़ा सा समय में मैं सेटिस्फाइड हो जा रहा हूँ। अगर कभी कोई काम रिपीट भी हो रहा है तो ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट माइंड पे बैकग्राउंड से, यार ठीक है अभी नहीं होगा, सही वक्त पे हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये चीज सर मैं फील किया और मतलब आगे बढ़ने का जो चाह था, मैं ऑलरेडी एक जगह मैंने एम्प्लॉयड हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं उससे भी आगे जाना चाह रहा था, तो बीच में वो 3 साल से बिल्कुल ब्लॉक, मैंने हिम्मत नहीं हो रही थी अब जाए कुछ करे, डर डर के जीना, लेकिन अब एक सर नई उम्मीद जागी है कि नहीं लड़ना है मुझे, आगे बढ़ना है बिल्कुल हिम्मत के साथ, मैं अकेला ही काफी, आई एम वन मैन आर्मी नाउ, आई एम फीलिंग लाइक दैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सर एक और जन है बीमल झुंझुनवाला जी, वो भी उन्होंने मुझसे सेशन लिया था सर, वो सेशन मैंने स्टार्टिंग में एकदम किया था, बिगनर थी मैं तो बहुत अच्छा नहीं हुआ था, फिर भी उनको बहुत फायदा हुआ, तो उनको भी मैं इनवाइट करूंगी कि आप भी कुछ बोलिए झुंझुनवाला जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते, नमस्ते बिमल जी। नमस्ते सर, आपका सेशन तो मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ, मैंने फर्स्ट स्टेज में
लिवर क्लीजिंग वाला काम किया था। वाह। और लिवर क्लीजिंग जो प्रोसेस आपने लिखे थे उसको हर स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको फॉलो किया था। जी जी। और उसके बाद में मैंने मैडम से सेशन लिया था, तो एक्चुअली उस समय मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रहा था, तो मैडम से सेशन की बात हुई थी, तो उसके बाद मैंने उस समय मेडिटेशन में नहीं कर रहा था। तो अब मैं मेडिटेशन तो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा तो कर रहा हूँ डेली, आना पाना सती ध्यान कर रहा हूँ। तो मैंने विपसना भी किया हुआ। कल मेरी मैडम से बात हुई तो मैडम ने बोला कि आप विपसना वाला काम फिर से स्टार्ट कीजिए, विपसना आपने किया हुआ है तो उसको करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और मैडम ने बोला कि फिर एक बार पीएलआर करेंगे। तो अभी कुछ इश्यूज है जो बहुत ज्यादा, मतलब कि पजल्ड हो रखा हूं मैं। रास्ते तो निकलेंगे ना, सब रास्ते निकलेंगे। अच्छा एक चीज और बताना था मुझे कि इसमें दिवंगत आत्माओं से बात हो सकती है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनसे बात करना भी आसान होता है और देवी देवताओं से बात करना भी आसान होता है, अक्सर हो जाती है ना। आपकी दुनिया में आने के बाद बहुत कुछ विश्वास करने लगा मैं। सर एक और है, स्नेहल बोली सर। हाँ। एक मेरी फ्रेंड बोल सकते हैं, स्नेहल है सर, उसका पीएलआर बहुत बढ़िया होता है, वो हमेशा आत्मा लोग में पहुंचती है और वहां पे वो बहुत कोई स्ट्रॉन्ग करेक्टर है सर, उसको भी हम इनवाइट करते हैं, उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस आप सुनिए। हाँ स्नेहल आओ। लगता नहीं है, वो छोड़ दे, जा चुकी है लगता। कोई बात नहीं, और किसी कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हेलो मैं हूँ यहाँ पे। हाँ आ गई सर, वो आ गई। मैं हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो मैं भूतों को कंट्रोल करती थी और ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस, तो ऐसा रहा उसका मीनिंग। कंट्रोल करती थी, पनिश करती थी, ऐसा आवाज नहीं थी आत्माओं को। ओके खुल के बताइए, जोर से बताइए। आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? नहीं 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 आ रही है, कम आ रही है। अच्छा एक मिनट रुकिए, इसका स्पीकर मुझे। हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं बुरी आत्माओं को कंट्रोल करती थी और उनको पनिश करती थी। Okay, ऐसा okay. मेरा पास्ट लाइफ में आया मतलब। ठीक है तो अभी क्या करती हैं? अभी तो मैं घर में हूँ, हाउसवाइफ हूँ सर। नहीं मेरा ये कहना है कि बुरी आत्माओं को कंट्रोल करना, बांधना, ये सब टेक्निक्स होती हैं। अच्छा शिप्रा कुछ कहना है इस बारे में, जरा डिटेल में बता दो शिप्रा। सर जी सर, सर एज फार एज सोल्स आर कंसर्न्ड, मैं तो ये मानती हूँ कि कोई भी आत्मा एक्चुअली देखा जाए तो बुरी नहीं होती है, ये मैंने आप ही से सीखा है। और जो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंसेस ये कहते हैं कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम एक प्रार्थना कर देती है, जितने प्यार से चाहे एनर्जी, क्योंकि आत्मा सोल अपने आप में एक एनर्जी है, एनर्जी डिजर्व्स अ रिक्वेस्ट, यूनिवर्स इज एन एनर्जी, यूनिवर्स हम सब लोग क्या है, हमारे अंदर भी तो एक एनर्जी है, ऑल पांच तत्व ये सब एनर्जी है, सो सोल भी तो एक एनर्जी है, इट्स अ सुप्रीम एनर्जी आफ्टर गॉड, तो उसकी इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड, इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। अगर कोई सोल कभी नाराज हो जाती है या कुछ ऐसी हरकतों में आ जाती है तो उसका कोई रीजन होता है, वो बिना रीजन अकस्मात किसी को परेशान नहीं करती है। और सिर्फ मैं ये मानती हूँ कि जो काम पीएलआर में एक बार दो बार तीन बार ट्रायल्स में नहीं हो रहा है, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम की चीज नहीं है। आई डोंट बिलीव इन नो, आई बिलीव कि ये चीज होनी ही होनी है, सिर्फ रिपीटेड रिक्वेस्ट से, या जैसे अभी आपने बोला कि कोई भी एक वर्ड को पकड़ के अगर जैसे मैं कहूँ कि मुझे फाइनेंशियल इश्यूज का सोल्यूशन चाहिए, तो अब मैं अगर ट्राई करूंगी तो फाइनेंस के ऊपर ट्राई करूंगी, मैं आत्माओं के ऊपर तो ज्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन मैं पीएलआर के ऊपर ये जरूर बोलना था वो बोल दिया। बोलने का सारांश ये था कि हम बैड सोर्स की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि ऑल सोर्स आर गुड, उनके कुछ कैरेक्टर्स बैड हैं तो yes. हमको वो एनालाइज डिस्कस करने चाहिए जी. और एक बार उसको रिजॉल्व करने के बाद
सेम बैड सोल्स वो इतनी अच्छी बन के निकलती है ना. एग्जैक्टली. अमेजिंग एक्सपीरियंसेस. बहुत अमेजिंग होता है सर. बहुत इतना ब्लेस करके जाती हैं कि वो सोच नहीं सकते. इनफैक्ट उनके भी आगे ऑरास चेंज हो जाते हैं. उनके जन्म सुधर जाते हैं. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? दादा मैं कुछ शेयर करूं? यस श्योर श्योर श्योर. मेरी प्रॉब्लम क्या है टू एवरीबॉडी मैं बता दूं. मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं कोई भी केस डिस्कस नहीं कर सकता. रीजन बीइंग कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट आ जाता है. मतलब एक कमिटमेंट है कि किसी की बात बिल्कुल बता नहीं सकते ही है. और जो मेन मेन थे वो मैंने किए. लेकिन अगर छोटे मोटे केसेस और डिस्कस हो जाएंगे ना प्राइवेसी इशू को केयर करते हुए तो हम लोग काफी ज्यादा और समझ सकते हैं कि क्या इश्यूज आते हैं कैसे रिजॉल्व करते हैं. यस गो अहेड मनीषी. जैसे मैंने पीएलआर जो भी कराए हुए थे तो स्टार्टिंग में मेरा पीएलआर जो लक्ष्मी ने किया था अच्छा था. लेकिन ठीक है उस टाइम पे लक्ष्मी ने आपसे क्लास नहीं लिए थे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था. बट उसमें भी लक्ष्मी से भी मुझे काफी कुछ क्लियर हुआ था. जैसे मैं सोती थी तो मुझे ये लगता था कि मैं बहुत कहीं गहरे में हूँ और मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं. तो ये बहुत सालों तक चलता था कि मुझे गहरे में है. तो ये मेरा पी एल आर में ये चीज सही हुई. दूसरा मेरे पी एल आर में ठीक हुआ था कि जो मेरा इशू था कि जैसे नी में जो प्रॉब्लम हुई थी चोट लगने से तो मेरे 5 डॉक्टर्स ने बोला था कि इसका कुछ नहीं हो सकता. इसको सिर्फ सर्जरी आपको करानी है. आपको कार्टिलेज रिमूव कराना है. पर आपके जो 2 पी एल आर हुए हैं तो वो काफी कुछ इम्प्रूव भी हुआ है चीजें. और एक पीएलआर में मैं ऐसे कहीं पे कहीं और थी बट वो एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री था. तो वो जो लास्ट पीएलआर मेरा था सेकंड वन कहना चाहिए. उसके बाद में एक हैप्पीनेस है कि चीजें मतलब मैं तो अपना 100% देती जाऊंगी और वो यूनिवर्स को जो करना है वो करता जाएगा. तो एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है. मतलब एक कहते सेटिस्फेक्शन है हैप्पीनेस है मतलब काफी कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं. एक चीज और कि नॉर्मली किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में 6 सेशन तक लगते हैं तो बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए. लेकिन हाँ पहले सेशन से असर मालूम होना शुरू हो जाता है और ठीक ठाक मालूम होना शुरू हो जाता है ये. एनीवे किसी का और कोई क्वेश्चन? सर मैंने आपका मेंशन किया और कोलेस्ट्रॉल मेरा 500 से 240 आ गया. अभी मेरा जैसे कि लो बैक पेन पिछले 20 साल से सीढ़ी से गिर गया था उसके कारण चोट लगी थी. तो क्या पीएलआर से ये ठीक होगा? ये क्या आपका क्या सजेशन है? होना चाहिए. बहुत कुछ ट्राई कर लिया सब कुछ ट्राई कर लिया. हाँ तो पीएलआर कराइए बिल्कुल कराइए. पीठ के दर्द का एक किस्सा मैं बताता हूँ आपको. जी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को 10-12 साल से पीठ में दर्द था. कोई इलाज काम नहीं करता था. सेशन किया पिछले जन्म में. वो तबेला चलाते थे जिसमें 400-500 गाय भैंस हो सकती है. इंडस्ट्री थी उनकी तबेले की. और उनकी आदत थी सुबह टहलते हुए हर दूध दोहने वाले के पीठ पे डंडा मारने की. और मारते मारते मतलब जिससे कि वो डर के मारे ज्यादा दूध दुहे. मारते मारते 1-2-3 की डेथ हो गई. तो जो हेलो पहले इसको कीजिए. हेलो वी कांट हियर. इसको पहले कर सर ड्रॉप हो गया क्या? जी अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही थी. पहले इसको लास्ट में दीजिए. पहले इसको कीजिए दूसरा को. हेलो जी अब सुन पा रहे हैं? तो उन्होंने अपोलॉजी का जवाब तो खैर नहीं आना था. लेकिन उन्होंने अपनी गलती समझी. सामने वाले भी सोचा यहाँ तक आ गए हैं और उसके बाद उनको दर्द नहीं हुआ.
और एक केस और था, ये मैं बता रहा हूँ, इस बार डिस्कशन रखना, रख लीजिए, कल आके ले जाइए, कोई नहीं ले जाएगा आप, बिकॉज़ सबको ले जाइए, एक साइड से काटिए ना कोने से। इनफर्टाइल कपल्स के केस में काफी सफलता मिली है इसमें, कि पिछले जन्म में कोई ऐसी गलती हो गई कि किसी बच्चे की जान आप बचा सकते थे और नहीं बचा पाए, तो वो इस जन्म में बोझ देके जाता है, और वहां अपोलोजाइज करने से बड़े अच्छे सॉल्यूशंस मिलते हैं इसके। एनीवे, एनी अदर क्वेश्चन? तो ये कैसे लेना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर लेना चाहे पीएलआर सेशन? तो आप जिसके कहने से आए उससे संपर्क करिए। अच्छा ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जय स्वामी नारायण। अरे नानू, महेश भाई। अरे महेश भाई तो ठीक है, नानू सेवक छू, बोलिए। नहीं बस अभी डॉक्टर साहब ऐसा, ये मैंने सेशन सुना, अभी कोई ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्रेतात्मा की असर हो जाती है और उनपे वो प्रेतात्मा की बुरी असर से एक प्रेत आत्मा में दूसरा आत्मा का प्रवेश हो जाता है, और ऐसे कई केस हमने देखे हैं कि उसका बिहेवियर पूरा चेंज होता है और वो अलग अलग भाषा में बोलते हैं, तो ये पीएलआर सेशन से उनकी असर दूर हो सकती है? भाई भाई पीएलआर सेशन से असर उनकी दूर हो सकती है और करेंगे भी। हाँ। आपको जो भी केस, आप तो मैं जरा अपने साथियों का परिचय करा दूं, ये महेश राजगोर जी हैं और आप लोगों से ज्यादातर इनको नहीं जानते होंगे, और ये बहुत ही विशेष सम्मान के पात्र हैं टेंपल ऑफ हीलिंग के लिए, और इनको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। इन्होंने मुझे सिखाया कि मुझको भी कुछ नहीं चाहिए, इन्होंने मुझे सिखाया ये, और मैं इनके साथ स्वामी नारायण के 13 मंदिरों में 16 रात गुजार के आया हूँ, और बहुत सारे स्वामी नारायण के मंदिरों में हम लोगों ने संतों को लिवर क्लींस कराया है, और 450 संतों को, 450 और महेश भाई साथियों को पता नहीं होगा कि संत क्या होता है, तो स्वामीनारायण के संप्रदाय में जो संत होते हैं, क्योंकि 1100 संत हैं इनके टोटल, और ये संत वो होते हैं जो घर छोड़ के गए होते हैं, और घर छोड़ने की परिभाषा ये होती है कि वो घर वापस कभी नहीं आते हैं और घर से कोई संपर्क नहीं होता है। और बड़ी जबरदस्त बात यह है कि महेश भाई का एक बेटा संत है और वो लॉस एंजल्स में है, और नियमों का पालन करते हुए इनका अपने बेटे से कोई भी संपर्क नहीं है, कभी कोई बातचीत नहीं होती, कभी कोई हालचाल नहीं होती, और तब मुझे पता चला ये कि संस्कृति, हिंदू संस्कृति के लिए ये संप्रदाय कितना बड़ा काम कर रहा है, और यही सोच के मैं महेश भाई के साथ जुड़ा और इनके साथ जुड़ के अलग अलग मंदिरों में गया, और वो 16 रातें खास तौर से सुबह से शाम तक संतों के साथ बैठना, और संत महाज्ञानी भी होते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, चाहे धर्म का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे इतिहास का हो, अद्भुत उनकी ट्रेनिंग होती है साथ साथ की। आज महेश भाई इसमें आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। महेश भाई जो भी आपका ऐसा हो आप मुझे बताइएगा, मैं खुद उसका सेशन करूंगा, आपके लिए कोई पूछने की बात ही नहीं। जरूर डॉक्टर साहब, धन्यवाद। नमस्कार, महेश भाई रहते कहाँ? मैं के सिंघानिया। अरे सर अग्रज, आप बड़े भाई और महेश भाई छोटे भाई सब यही मिले। हम सब सब हम बंबई रहते हैं घाटकों पर। अच्छा अच्छा। और हम ये बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था जो दिल्ली का अक्षरधाम है ना, हाँ हाँ हाँ, उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज 27 साल हो गए। मैं भाई सिंघानिया जी से मेरे परिचय रमेश पांडे जी ने कराया था, और ये अच्छा, अच्छा। से जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कलकत्ता बेस्ड हैं ये। बरोबर। और कलकत्ता में अपना झोका भाषा में मंदिर है। हाँ। बहुत सुंदर मंदिर है, डायमंड हार्बर रोड। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, सामने नेचुरोपैथी में अभी 2 हफ्ते रह के आया, मंदिर में काफी बार गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न? सर मुझे हाँ सर, महिपाल सिंह मैं पूछना चाह रहा था सर, ये विद्या मेरे को सीखनी है सर, राजस्थान से हूँ। जितना लिटरेचर कहाँ से है? राजस्थान से हूँ सर, सिक्कर से। हाँ मैं आपका और पुलिस में ऐसा ही हूँ, और ये विद्या मुझे बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट भी करना है, जैसे क्रिमिनल हुए और सारे लोग हुए, तो अंग्रेजी मुझे कम आती है। नहीं मेरे जो कुछ लिटरेचर है वो सब अंग्रेजी में ही है, अंग्रेजी अगर आपको कम आती है तो आपके गूगल पे जाके इसका पूरा ट्रांसलेशन कर लें हिंदी में, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, और हम आपकी मदद इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ट्रांसलेशन हम नहीं करते, क्योंकि अगर हम करते हैं ना तो हमको बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि फिर
किताब के लिखने के नियम के अनुसार हम हर चीज करेक्ट करना चाहते हैं, उसमें उसमें टाइम बहुत लग जाता है, और इसको हिंदी में देने का अभी मेरा फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। और सर वैसे विद्या किसी से सीख नहीं सकता क्या मैं? किसी से सीख सकते हैं सर, इनको बोलिए मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं सिखा दूंगी। आप ऑर्गेनाइजर अनुराधा मैडम से कांटेक्ट कीजिएगा, ये कलकत्ता में है, ये सबको सिखा देंगे, और बहुत आसान है, बस करना शुरू कीजिए, रिजल्ट आने लग जाते हैं इसमें। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू। नमस्ते सर, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। सर मैं बोल रही थी कि देखिए जैसा कि आपने कहा कि लॉजिकल माइंड अगर होता है तो पीएलआर में नहीं जा पाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल लॉजिकल माइंड नहीं यूज करती हूँ, एकदम सरेंडर करती हूँ, लेकिन मेरा हो नहीं पाता है पीएलआर, क्यों मतलब यही समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत चाहती हूँ कि मेरा मैं करवाऊँ अपना, लेकिन हो नहीं पाता है मेरा। मैं आप किसके साथ ट्राई कर रही है? मैंने यहाँ कलकत्ता में करवाया था। किसके कौन कर रहा है प्रोसेशन? अभी नहीं किया था, थोड़ा मतलब काफी दिन हो गया इस चीज को, करीब साल भर, 4 महीना 7 महीना हो गया। अनुराधा जी से करवाया था, लेकिन होता नहीं है मेरा। मैडम कितनी बार ट्राई किया आपने? एक बार। मैडम 2-3 बार और ट्राई कीजिए, फिर भी नहीं होगा तो मैं खुद बात करके तरीका बताऊंगा कि कैसे होगा। तो क्या आपसे ही बात करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अनुराधा मैडम से, मुझसे तो बात, मैं तो फोन, मेरे पास फोन ऑन होता नहीं है कुछ भी। सर और आपकी एक बार है ना, आप जो गूगल में जो बुक्स का नाम है जिसमें आपका ये सारा सेशन लिखा हुआ है, वो बुक का नाम थोड़ा यहाँ बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ दोबारा। हाँ क्या लिखे? डॉक्टर पीयूष सक्सेना .com में मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। अच्छा पीयूष सक्सेना, विकास दे सकते हो इन लोगों को? मेरे ख्याल से सब पे चला जाएगा ना ये? जी मैं दे दूंगा, अगर यहाँ चैट में लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा। लिख के दे देंगे विकास, अभी लिख के दे देंगे विकास, वो वाला लिंक दे देना इनको, सीधे खुल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है। हेलो जी, क्या खुद पे ये असर करता है? आपका शुभ नाम क्या है? सुशीला शिमाली। मैंने बड़ा बारीक सवाल किया आपने, खुद से खुद को ट्रांस में ले जाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली नेक के ऊपर नहीं हो पाता। नॉर्मली नेक के ऊपर नहीं हो पाता है सर। दिस इज शिप्रा ऊपर सर, खुद से खुद को ट्रांस में, तो फिर मेरे केस में क्या मैं बता रहा हूँ शिप्रा, एक मिनट है ना, नेक के ऊपर नहीं हो पाते हैं, अब उसके बाद नेविगेशन की प्रॉब्लम्स आती है कि अब किधर जाएं। हम सच्चाई से दूर अच्छी चीजों की तरफ जाना चाहते हैं, जबकि पीएलआर में हमारा इंटेंशन होना चाहिए खराब घटनाओं का ओरिजिन देखने का। अगर हम सोचना शुरू करें कि हमें जीवन में अच्छा अच्छा क्या मिला हुआ है, उसका क्या कारण है, ठीक है, तो डिफरेंट सेशन होगा। अगर हम सोचना शुरू करें कि हमको प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनका क्या कारण है, वो सेशन डिफरेंट होगा। तो हम नॉर्मली पीएलआर में सर्च करते हैं कि जो चीजें हमको नहीं मिली हुई हैं, जैसे मैंने बताया क्रॉनिक फियर, क्रॉनिक एलिमेंट और क्रॉनिक रिलेशनशिप इश्यूज, उनको सर्च करते हैं। बैड इवेंट्स आते हैं, कई बार रोना चीखना चिल्लाना भी होता है, और एक चीज पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक चीज होता है। रिग्रेशन का मतलब होता है लाइब्रेरी में जाके सर्च करना कि हमारे बारे में वहां पे क्या है, ये रिग्रेशन होता है। थेरेपी का होता है उसका इलाज करना, जैसे एंजियोग्राफी अगर रिग्रेशन है तो एंजियोप्लास्टी थेरेपी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। थेरेपी में अक्सर दर्द आता है, ऐंठन आती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन वहीं से इलाज भी हो जाता है। अपने आप के लिए ज्यादा कर पाना पॉसिबल नहीं होता, कुछ लोग कुछ कुछ थोड़ा बहुत कर पाते हैं। अच्छा, लेकिन एडवाइजेबल है क्या ऐसा खुद के ऊपर करना? एडवाइजेबल ये है मैडम कि करना शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ होने लग जाएगा, जब नहीं होगा तो फिर हम लोग रास्ता बताएंगे। अच्छा थैंक यू वेरी मच। जी जी सर, देयर आर मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, तो वो मतलब वो करना ही नहीं चाहते पीएलआर सेशन, वी नो कि पीएलआर सेशन से उनका ना इम्प्रूवमेंट हो सकता। नहीं गुड बाय, उनको अपने रास्ते जाने दीजिए ना, क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। अच्छा सर, नहीं अगर सर जैसे फैमिली मेंबर्स भी ऐसे होते हैं सर कि ना
बहुत रिजिड होते हैं, बहुत फैमिली को तो प्रॉब्लम होती है ना उनके कारण, तो उनको तो मतलब बाकी लोग तो चाहते हैं फैमिली में कि हाँ पीएलआर सेशन हो उनका, तो वो उनको क्या विदाउट मतलब जब तक कि करना है उनके बारे में बताइए ना सर, कुछ ड्रीम के केस मेरे सॉल्व हुए, एक ही ड्रीम बार 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 हर नाइट आता था, तो वो अब नहीं आता है पीएलआर के बाद, लेकिन और भी बहुत सारे ड्रीम से रिलेटेड बातें होती हैं। हाँ, ड्रीम्स अगर कोई इस तरह के क्रॉनिक पैटर्न है तो सेशन से ठीक होगा ना वो। ड्रीम का मतलब ये है सबकॉन्शियस कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है। अब सबकॉन्शियस के पास और कोई तो तरीका होता नहीं, तो अपने इन्हीं तरीकों से करेगा ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे पीएलआर होता है वैसे कोई पैरेलल लाइफ रिग्रेशन भी होता है क्या? मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। पीएलआर से हम लोग क्या ड्रीम रीडिंग भी कर सकते हैं क्या? ड्रीम रीडिंग जैसे अभी अनुराधा जी ने ड्रीम के बारे में बताया था, अगर किसी को खराब सपने आते हैं तो उसका बेसिक रीजन कोई ना कोई होगा ना, वो पास लाइफ में सर्च हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? जो इसकी शुरुआत कैसे करनी है, पकाना पड़ेगा किसी को, किसी को पहले तो लिटरेचर पूरा पढ़ लीजिए। लिटरेचर में बहुत सारे केसेस भी दिए हुए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंट केसेस में कैसे बिहेव करना है। उससे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्स सपोर्ट करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात बताई आपने कि यूनिवर्स सपोर्ट करता है, ये सुन के तो बहुत आनंद आया। ये अद्भुत है कि यूनिवर्स सपोर्ट करता है, और ये समझ लीजिए कि ये सब करने कराने वाले हम लोग एक साधन मात्र होते हैं, बिल्कुल साधन है, कहीं और से कुछ होता है ये, और कैसे होता है जब करने की कोशिश करेंगे तब रिजल्ट्स देख के हैरानी हो जाती है कि बाप रे ऐसा हो गया। सर आपकी इंफॉर्मेशन सुन के ही इतनी खुशी हो रही है कि कब करेंगे ऐसा लग रहा है। कर डाली आज ही। अच्छा, ओके, जरूर सर, जरूर जरूर। दादा एक सवाल है। हाँ जी। कि पीएलआर सेशन से कितने दिन पहले लीवर क्लींस करना चाहिए? ओके, लीवर क्लींस टेक्निकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, ये मैंने जबरदस्ती का भेड़ा हुआ है कि इससे लोग एक जाल में और फंस जाएं। दूसरी बात ये है कि बॉडी अगर साफ होगी ना तो बॉडी के रिस्पॉन्स अच्छे होते हैं हर तरीके से। बाकी दिन की कोई बात नहीं है, 2-4, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले एक बार किया हुआ है ना, इतना काफी है। सर एक बार और भी है कि कितने लोग पीएलआर करवाना चाहते हैं लेकिन हम बोलते हैं कि पहले लीवर क्लींस करो, तो 10 में से 4 ही रह जाते हैं, 6 कट जाते हैं। सीरियस वाले रह जाते हैं ना, अपने को भी सीरियस वाले चाहिए ना। और अभी वो आना शुरू करें जो लीवर क्लींस के लिए इतने सवाल कर रहा है, उसमें पीएलआर में और इतने सवाल करेगा, हमें जरूरत क्या है इतने सवालों की? इसको जिसको करना हो करे, नहीं करना हो घर बैठे क्या कर सकते हैं। तो सर हम लोग सेशन खत्म करें आज का? हम हर चीज के लिए तैयार हैं, प्रश्नों के लिए भी तैयार हैं और खत्म के लिए भी तैयार हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम सेशन फिनिश करते हैं। सर ब्रिजबाला, आई जस्ट वांट टू पे ग्रेटिट्यूड टू यू एंड अनुराधा मैम फॉर योर यू नो सेल्फलेस सर्विस टू द मैनकाइंड। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, सर एक पिछली बार जब आपको सेशन हुआ था तो ब्रिजवाला जी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उनके शरीर में बिजली आती है, करंट आता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो सर आपने बताया था शायद कोई मछली से चक्कर रिलेशन है कुछ है। तो सर फिर हमने उनका पीएलआर किया तो उसमें पूरा निकला वो कि उनकी जो लास्ट लाइफ में जो डेथ हुई थी वो बिजली से हुई थी, करंट लग के। अच्छा। हाँ सर, वो पूरा मतलब बहुत ही यूनिक वो हुआ था पीएलआर उनका कि कैसे उस आसमान से कितनी चमकी और कैसे क्या क्या हुआ, इसलिए उनके शरीर में वो बिजली रह चुकी है। अरे वाह। एंड सर उस पीएलआर के बाद ये प्रॉब्लम भी अब नहीं है मुझे। एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया।
हमारी तरफ से भी डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत थैंक्स. यू आर ऑलवेज वेलकम. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस सेशन. बहुत मजा आया इसमें जुड़ के. बहुत सारी चीजों के मुझे जवाब भी मिले और पैरेलल लाइफ रिग्रेशन एक नया बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला. बहुत मजा आया मुझे. आई रियली थॉरली एंजॉयड दिस सेशन. इनफैक्ट इसकी अगर कोई रिकॉर्डिंग हो सके तो मैं शुरू का कुछ पोर्शन मिस कर चुकी हूँ. ये रिकॉर्डिंग विकास के पास है और विकास को इसका भविष्य मालूम है. अनुराधा को पता रहेगी कहाँ गई. जी सर इसकी रिकॉर्डिंग अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं. जी जी थैंक यू. और लेकिन इससे ये है कि हर एक को PLR जरूर करना चाहिए. डॉक्टर साहब सर करना चाहिए या करवाना चाहिए? हाँ करना भी चाहिए. मैंने करवाना चाहिए. जरूर करवाना चाहिए. दोनों काम अपना भी करें और दूसरों का करें भी. जी तो खुशबू फिर फिनिश कर दो इसको बंद कर दो. और डॉक्टर साहब दिल्ली का कोई प्रोग्राम आपका? दिल्ली आपका बार है बताइए. दिल्ली तो मैं कल जा रहा हूँ लेकिन राजस्थान मैं 24 तारीख से 28 तक तो दिल्ली हूँ. उसके बाद भी रह सकता हूँ. अभी आप राजस्थान जा रहे हैं? हाँ दिल्ली होके जाऊंगा. कल दिल्ली जाऊंगा परसों शाम को राजस्थान. अच्छा अच्छा मैं आपसे बात कर लूंगा सिंगारी जी. हाँ जब आप दिल्ली आए तो अब बीच में तो मैं जाना आना मैंने बंद सा हो गया था लेकिन नहीं, मैं बताऊंगा आपको. हाँ सर राजस्थान में हमसे मिल लीजिएगा. आपके दर्शन हो जाएंगे. ठीक है ठीक है. जी जी चलिए. थैंक यू एवरीबॉडी. हेलो सर. हेलो सर. सर मैं रांची से अनुराधा हूँ. सर मैं अनुराधा मैम से बात करूंगी बाद में. एक्चुअली मुझे अपनी डॉटर का कराना है. और सर अनुराधा से बात कर लीजिएगा. जी 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 सर. ठीक. हेलो सर. थैंक यू सर. सर मैं प्रबीर अधिकारी बोल रहा हूँ कोलकाता से. सर थैंक यू फॉर ओपनिंग अप अ न्यू चैप्टर. मेरे को लग रहा है एक नया चीज है जो आज तक मैं उसको जान नहीं पाया. अनुराधा मैम से मेरा संपर्क हुआ है. मैं उनसे इसके बारे में जानूंगा. मेरा एक क्वेश्चन आपको है वो ये है कि जब कोई आदमी को माने जो कि इंसान PLR करता है तो एक कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. तो उसके बाद वापस वो जब आता है उसके बाद उसके ऊपर वो रिएक्शन वो जो देखता है वो उसके पास रह जाता है कि वो फिर भूल जाता है? माने वो मैं नहीं समझ पाया. अप्रोक्सीमेटली 90% केसेस में याद रहता है और 10% केसेस बिल्कुल भूल जाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि नींद से उठे. इसलिए अक्सर हम कोई विटनेस सामने बिठाते हैं और या फिर रिकॉर्डिंग के लिए कहते हैं. और एक चीज आपने बताई मैं बता रहा हूं आपको कि बचपन में ऐसा मान लीजिए कि जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसको पिछले जन्म की सारी मेमोरीज होती हैं, पिछले तमाम जन्मों की. जैसे जैसे वो बोलना शुरू करता है जो कि प्रक्रिया 6-8-10 महीने में होती है कम्युनिकेशन शुरू होने वाली बात, वैसे वैसे पिछले जन्मों की मेमोरीज सबकॉन्शियस में चली जाती हैं. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ये प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है, अगर ऐसा नहीं होता तो हर बच्चा 5 साल की उम्र पे कहना शुरू करता पापा उनके पास मत जाना उन्होंने तुमको मारा था पिछले. ठीक है ये प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है कि मेमोरीज सबकॉन्शियस में जाती है. एक और प्रश्न आपका रह गया जानवरों के बारे में कि आदमियों की लाइफ और जानवरों की लाइफ में क्या कनेक्शन है. मेरा ये मानना है कि दोनों की लाइफ डिफरेंट होती है क्योंकि अटैचमेंट्स डिफरेंट टाइप के और पोजीशन ये सिर्फ ह्यूमन लाइफ में. किसी जानवर की लाइफ में पोजीशन नहीं है क्योंकि किसी जानवर की लाइफ में बोलना हो तो कैसा बोला जाएगा? ताला चाबी की व्यवस्था नहीं है. तो मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें सिर्फ ह्यूमंस के साथ होती हैं. हाँ ह्यूमंस किसी न किसी एक जानवर से कनेक्टेड होते हैं और वो जानवर भी स्पेसिफाइड है. किसी को गाय की तरह का होता है. मैं बता रहा हूं आपको गाय हाथी शेर और 2-3 जानवर और घोड़ा. हाँ इससे उनके लक्षण कनेक्टेड हो सकते हैं. एक और है कछुआ. कछुआ है
हाँ ये कनेक्शन है ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं हो तो आज पैकअप किया जाए। सर मुझे एक क्वेश्चन करना आपसे। हाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई मतलब पीएलआर जैसे करते हैं तो कोई हम जानवर के रूप में भी आपको कोई हम जाते हैं अपने आपको देखते हैं कभी? मिल सकते हैं मतलब अपने आपको कोई एनिमल्स के रूप में भी वहाँ पर देख सकते हैं? वो जानवर से कोई कनेक्शन हो सकता है, मिल सकते हैं ऐसा हो सकता है ऐसा क्या? हाँ, और एक ही ऐसा भी हो सकता है कि एक ही झांसी की रानी जैसे एक है हम दो तीन चार झांसी की रानी एक ही मोहल्ले में हमको मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि हम जा रहे हैं? समझ लीजिए मैंने अपने आपको देखा तीन चार सील मेरे साथ में मिल गई, तीन चार जन मेरे नाम। मैं कैसे पहचानूंगी कि मैं कौन सी हूँ? इसका कारण ये है कि झांसी की रानी अकेली कभी भी नहीं थी। सुनिए, झांसी की रानी एक थी भाई, लेकिन उनके साथ के ग्रुप के जो लोग चार पांच छह आठ सात होते हैं ना, वो भी अपने समझ रहे होते हैं। वो जब अभी प्रकट होते हैं तो उनको वही पावर्स याद होती हैं कि वो झांसी की रानी थी एक्चुअली, वो उनके साथ ही एसोसिएट। अच्छा, तो वो तो झांसी की रानी तो सिंगल ही हुई फिर तो उसको समझ सकते हैं। हाँ लेकिन पावर। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, ऐसा मतलब मामूली बात नहीं है इतना बड़ा इतनी सब करना, ये है आप ही कर सकते हो, क्यों सबसे नहीं कर सकते हैं? हमारा आजकल अगला प्रोजेक्ट चल रहा है अनाथों को एडॉप्शन बढ़ाने पे। हमारे हिसाब से भारत देश में 3 करोड़ अनाथ हैं और 4,000 एडॉप्शन होते हैं साल भर में। ये संख्या इतनी छोटी है कि शर्म आती है कि अनाथों के अगर परिवार को पहुंच जाते ना कितना बढ़िया काम होता, लेकिन कानून इतने सख्त बना रखे हैं कि काम सब रुक चुका है ये। और हम जल्दी ही इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में मैं फाइल करने जा रहा हूँ, मेरी पिटीशन काफी कुछ रेडी है और उम्मीद करता हूँ 1-1.5 साल में, और मेरी 8 मीटिंग हो चुकी है मिनिस्ट्री में इसी विषय पे, और मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 साल तक समय तो लग जाएगा लेकिन इसमें बड़ा बदलाव आएगा। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा है, मानवता के लिए बहुत अच्छा सर। जी वेलकम, मानवता के लिए आपने, आप हमेशा मानवता के लिए काम करते रहे सर। मैं एक्चुअली अपने लिए काम करता हूँ। नहीं सर, ये जो आपको देख के हम लोग कितने इंस्पायर्ड होते हैं आपको मालूम नहीं है, पहले भी लिवर क्लींजिंग वगैरह भी आप इस तरह से बताते हो जैसे कि मतलब आप क्या बताऊं, इतना बढ़िया करवा दिया आपने सबका। थैंक यू सर, थैंक यू, यू आर वेलकम। अगर कोई और सवाल ना हो तो फिर आज की मेरा एक है सर, नमस्ते, एक मिनट में मेरा। नमस्ते सर। नमस्ते। यस सर, एक्चुअली मैंने तो 6 बार कर चुकी हूँ लिवर क्लींज और लास्ट ईयर से मैं जुड़ी हूँ आपसे और विकास सर के साथ और मनीष जी मैम से और किडनी क्लींज भी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपने ना लास्ट टाइम जब भी पीएलआर का सेशन किया था तो आई वाज देयर, तो फ्रॉम द बिगिनिंग आई वाज कंप्लीटली इनटू स्टिलनेस, एंड देन आपने सजेस्ट किया था, मैंने आपसे पूछा था कि पीएलआर करना है तो आपने मुझे बोला था कि वो रमाकांत सर है बेंगलोर में, बेंगलोर में हाँ जी, तो उनसे मैंने किया था, उन्होंने एक सेशन मेरा लिया था, तो एंड उसके बाद से ना जो भी मुझे सभी कुछ थे जैसे थोड़े भी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो चुके, लेकिन उस पीएलआर में ना द सेम थिंग हैपेंड लाइक आज यू, आई वाज इनटू कंप्लीटली मींस लाइक साइलेंस एंड स्टिलनेस एंड या दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी, एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी, एंड सो देन आई थॉट दिस टाइम आल्सो द सेम थिंग व्हेन यू आर फर्स्ट स्टार्टिंग द सेशन एंड यू आर टेलिंग ऑल दोस थिंग्स, आई वाज कंप्लीटली स्टिल एंड इन साइलेंस। Good. And it was a beautiful experience. It is a beautiful experience. Yeah, exactly. And the liver cleanse and kidney cleanse and Vikas sir ne bhi bahut help kiya hai. Aur Vikas sir bhi jab Bangalore aaye the, I went there and attended his session. Phir Manishi ma'am se bhi maine bahut help, they have helped me a lot. So वही मुझे आपसे बताना था। विकास भाई वैसे भी बहुत हेल्प करते हैं, अभी मुझे लेके श्रीनगर और पाकिस्तान बॉर्डर तक गए थे। ओह ओके, सो नाइस,
एंड आपसे मिलके बहुत खुशी होती है हमेशा, जब भी आपको सुनते हैं ना तब एक पूरा मन में एकदम शांति और सुकून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। मैं स्पेशल थैंक्स अनुराधा जी को देना चाहूंगी। हाँ, सबसे बड़े तो उनको ही। उनके कारण हम ये सब अटेंड कर पाते हैं और उनका इतना अनकंडीशनल लव है, मतलब वो हर चीज में, पहले भी बीच में उन्होंने गिलोय प्लांट बांटा, मतलब वो ह्यूमैनिज्म के लिए जो कर रही है ना, मतलब मैं सच में उनको प्रणाम करती हूँ, नहीं तो हम लोग आपसे कैसे मिल पाते। नहीं बिल्कुल अनुराधा जी, आज उन्होंने मेरे लिए इतना टाइम स्पेंड करना, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम सबके ऊपर, ये भी बहुत बड़ी चीज है, तो आपको स्पेशल थैंक्स। यू आर वेलकम। दादा एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, योग निद्रा और पीएलआर में क्या डिफरेंस है? योग निद्रा बेसिकली हम लोग ट्रांस में लाके रिलैक्सेशन में जाते हैं, और पीएलआर में हम लोग पिछला जन्म देखते हैं और स्पेसिफाइड देखते हैं कि हमें क्या देखना है। ये लाइब्रेरी में सर्च है, रिग्रेशन ना लाइब्रेरी की सर्च है कि अंदर क्या क्या है, और ये सर्च बड़ी जबरदस्त होती है। जैसे मैंने बताया कि हमको पता है कि हम क्या देख रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हम क्या क्या सूंघ रहे हैं और क्या टेस्ट कर रहे हैं। पीएलआर में ये पांचों चीजें साथ में आती है, और अक्सर ऐसा होता है कि कोई घोड़े के अस्तबल पड़ा मिलता है कि उसको घोड़े की लीद की मैल आ रही है। हम लोग अक्सर चेक करते हैं कि टच करके देखिए जमीन को के नीचे गोबर है, पत्ते हैं, फर्श है, मिट्टी है, पगडंडी है, मार्बल है, कारपेट है, तो हम टच करके ये सब चीजें साथ में रिग्रेशन में जाती है। पीएलआर डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी सर, सर मेरा क्वेश्चन है। पूछिए मैडम। सर आई एम डूइंग लीवर क्लींजिंग। पूछिए अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं लीवर क्लींजिंग करना चाहती हूँ, हाउ टू? अच्छा, आप किसके टच में हैं? अनुराधा जी के टच में हैं? अनिंद्रा जी के। हाँ तो उनसे पूछिए, पूरा आपको बता देंगे। और सर पीएलआर कराने के लिए क्या करना होगा? पीएलआर के लिए भी वो आपको आगे गाइड कर देंगे। सबसे पहले तो लिवर क्लीन करना होगा ना। लिवर क्लीन तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, एक बार उत्तर कीजिए, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी, चिंता मत। लिवर क्लीन के लिए सर हमारी वेबसाइट पर है, आप डाउनलोड करके पढ़ के खुद भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको किसी के होने या ना होने की कोई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सर मेरा एक प्रश्न है, क्या आप परमिशन है? हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम राणा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पहली बार आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इस बात में थोड़ा सा परेशान हूँ कि मैं किसी बहुत जरूरी काम से बिजी था और मैं वेट कर रहा था कल से ही आज के जूम सेशन के बारे में कि मैं अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं शुरू से अटेंड नहीं कर पाया, अभी 2:30 बजे के आसपास ही मैंने ज्वाइन किया है। क्या पहले जो आपने इतना सारा ज्ञान पहले दिया है उसका कोई फीडबैक वगैरह मिल सकता है सर? वो सब रिकॉर्डिंग आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने भी बहुत बार लिवर क्लीन किया है, अपनी फैमिली में बहुत लोगों को कराया है और एक दो जानकारों को भी कराया है, तो स्टोन के केस में मैंने एक दो लोगों को कराया है, लेकिन बाद में रिपोर्ट में आया नहीं कि स्टोन निकल गया, उन्होंने लेबोरेटरी वालों ने कह दिया स्टोन तो है अभी भी। भाई साहब, मेरी गारंटी स्टोन निकालने की है, ठीक है? हाँ जी, मेरी गारंटी इस बात की है कि आपका स्टोन निकल जाएगा, मेरी गारंटी इस बात की है कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप जिंदगी में बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन लैब की रिपोर्ट के बारे में मैंने कोई गारंटी नहीं दी है, और मैंने अपनी रिपोर्ट्स खुद वेबसाइट पे डाली हुई है कि लैब की रिपोर्ट कितना कंफ्यूज करते हैं मुझसे। हाँ ये हाँ के पहले कि लैब ऐसा कह रही है, मेरा एक निवेदन है कि दो बिल्कुल अलग अलग लैब से 24 घंटे के डिफरेंस पे अपना कंप्लीट एग्जामिनेशन कराइए,
खुद देखिए क्या चीज कितनी आती है, ठीक है, तब हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि लैब की रिपोर्ट्स काफी ज्यादा दिग्भ्रमित करती है। जी 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 अच्छा, इसके बाद सर मैं जानना चाहूंगा, जैसे पीएलआर आप बता रहे हैं उसके बारे में, भाई पिछले जन्म वगैरह का देखना है, तो वो भी एक अनुभव करने की इच्छा है मेरी एक बार। पहले पढ़ लीजिए, लिवर क्लीन कर लीजिए, लिवर क्लीन आपने कर लिया? पहले कर लिया मैंने, 6-7 बार किया। उसका अनुभव कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या चीज गोल्ड ब्लैडर की पथरी के बारे में? वो तो लिवर क्लीन से ठीक हो जाती है। हेलो, हाँ जी, ये अभी राणा साहब जो कह रहे थे जी, अगर वो यहाँ इंदिरा पर्व में पीएलआर के लिए आए तो पीएलआर करके बताया जाए इंदिरा पर्व में जी, यहाँ इंदिरा पर्व, इंदिरा पर्व रमेश पांडे जी क्या आता रहता हूँ मैं है? लेकिन इंदिरा पर्व में रमेश पांडे जी क्या आता रहता हूँ मैं अक्सर। हाँ, हाँ तो वहीं पर सतीश चंद शर्मा है जो पीएलआर कर रहे हैं हम। ठीक है, हो गया नहीं? ठीक है जी, ओके ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।